विधु जी एक सवाल आपसे है, विधु जी और अभिजात जी दोनों से आपसे सवाल है, आजकल जो माहौल चल रहा है ये फिल्म उसमें कितनी सामयिक है, क्योंकि इस फिल्म में कहीं ना कहीं हम लोगों को जो ट्रेलर में दिखाई दिया वो कहीं ना कहीं कम्युनल या कम्युनल उस तरह की फीलिंग देता है। ये फिल्म में ये चीजें इंसिडेंटल है, जो इस फिल्म की जो बुनियाद है और जो मेन चीज है वो दोस्ती है, इन दोनों की दोस्ती है। तो ये बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, शायद वो ट्रेलर से वो इंप्रेशन गई हो कि इसमें कुछ ऐसी चीजें है जरूर है जी, वो कश्मीरी पंडित हैं। हाँ बिल्कुल, बट वो दैट्स नॉट द फोकस ऑफ दैट फिल्म, द फोकस इज एब्सोल्युटली फ्रेंडशिप, इट्स अ शैंपेन फिल्म, इट्स एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग, इट्स एन इंट्रीगिंग थ्रिलर, एंड आई रिकॉल that there was some skepticism when I was making predictions about Three Idiots and PK. I'm going to make one more prediction here. For the genre, it's an absolutely unique genre. And in that genre, this film is going to be a classic. This film is going to be remembered. It's utterly unique. For 4 years when we are scripting it, the scripting process of this film prepared me to write Lagero Munnamai. It prepared me to write Three Idiots and subsequently PK. So this is an entirely unique story. It would be very wrong to compartmentalize it and say that it is this or that. And for what it is, it's, I predict here, like I'd done at the time of Three Idiots and PK, it's going to be a classic. और अगर एक किरदार का नाम ओमकारनाथ धर है, मैं भी कश्मीर से हूँ, तो जरूरी नहीं है कि हर किरदार के नाम से ही वो पॉलिटिसाइज हो जाए। कुछ लोगों का नाम होता है यार, पंडित होते हैं, ओमकारनाथ धर, उनकी लेग नहीं होती, एक्सीडेंट में हो जाता है। तो ये इट्स लाइक ही सेड, इट्स अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स एंड उनकी जिंदगी पे क्या गुजरता है। क्या आपको लगता है कि ये ऑस्कर की नेक्स्ट एंट्री होगी, फिल्म ऑस्कर के लिए ये नेक्स्ट एंट्री होगी? देखिए मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाह रहा हूँ, जब मुझे कोई पीके में कहता था कि 300 करोड़ करेंगे, 400 करोड़, मैं बिल्कुल उस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं किस बात में विश्वास करता हूं कि हमने ये फिल्म 1 साल एडिट की है, हमने पीके जून से 6 महीना डिले कर दी थी फिल्म, क्योंकि हमको लगा कि इस पे और काम है। हम आपको एक बात बता सकते हैं कि ऐसी फिल्म इस जॉनर में आपने नहीं देखी होगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ये कहां जाएगी, क्या होगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा सिर्फ एक ही काम है और सबका यह कि हम आपको अपना बेस्ट काम करके दिखाएं जो हमने कर लिया, उसके बाद वो आपको अच्छा लगे, ऑस्कर में जाए, मून के ऊपर कल को चले और नहीं चले, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वैन गॉग जैसे पेंटर की एक पेंटिंग जिंदगी भर नहीं बिकी थी। जब मुझे लोग बोलते हैं हिट एंड फ्लॉप, मैं यही सोचता हूं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर, उनकी एक पेंटिंग नहीं बिकी, तो क्या मालूम कि वैन गॉग ग्रेट पेंटर नहीं थे। तो ये जो एप्रिसिएशन आपकी जो है उसका हमको बहुत ये है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम नन ऑफ अस आर सिटिंग हियर थिंकिंग अब हमको ये, वो हमारे जहन में है ही नहीं बात। बच्चन सर, शिवांगी हियर फ्रॉम लाइव इंडिया। मेरा सवाल आपसे है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बॉलीवुड की एक बड़ी अभिनेत्री आशा पारेख जी पे ये इल्जाम लगाया था, अभी लगाया है कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था और वो पद्म भूषण अवार्ड के लिए उनके घर 12 माले सीढ़ियां चढ़कर गई थी, जो उन्हें बहुत खराब लगा था। तो इस पर आप इंडस्ट्री से हैं सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपने उनसे काम, उनके साथ भी काम किया है सर? आशा पारेख जी गई जी, आशा पारेख जी लिफ्ट बंद था और वो 12 माले सीढ़ियां चढ़कर गई थी उनसे ये कहने कि पद्मश्री नहीं, मुझे पद्म भूषण मिलना चाहिए जी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से छवि खराब करने के लिए, मुझे लगता है कि वो सीढ़ियां चढ़ के गई और लिफ्ट में नहीं गई और क्या सर, इस तरह से अवार्ड को लेकर अगर कोई नेता किसी बड़े आर्टिस्ट पे आरोप लगाता है तो आपको लगता है कि ये इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? और जिन्होंने दरखास्त की उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? यू नो प्लीज सर, यू नो व्हाट यू डू व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट, यू एक्चुअली डिमोट द ब्यूटी ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस टू समथिंग एल्स, सो प्लीज डोंट। Thank you very much. I think
जहाँ तक हिंदी फिल्मों का ताल्लुक है, I would call this in the wholesome genre, is what I would call it. अभिजात, आपके दाहिनी ओर प्रशांत पांडे, ईटीवी नेटवर्क से. ये फिल्म कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बैकड्रॉप को भी एक तरह से छूती है. हाल फिलहाल पठानकोट में भी हमने देखा एक तरह का इंसिडेंट. जब फिल्म 40 वर्षों का सफर तय करती है और एक फिल्म इंग्लिश में बनी है, तो क्या कोई ऐसी घटना जो लेखक के बतौर आपके जहन में चिपक कर रहेगी वजीर को लिखते वक्त, कि आपने, क्योंकि फिल्म का बैकड्रॉप दिल्ली में भी सेट है. मैं ये एम्फसाइज करना चाहूंगा कि ये फिल्म एक एंटरटेनिंग फिल्म है और वो इन चीजों से इतनी जुड़ी नहीं है जितना आप सोच रहे हो. और इस बात पे आप विश्वास कर लीजिए, मैं आपको बहुत नेकी से ये बता रहा हूं, ये दोस्ती के बारे में ये फिल्म. एक अंग्रेजी में वर्ड है मैकगैफिन, तो वो जो एलिमेंट हमने यूज किया है, दैट्स अ मैकगैफिन. इट्स नॉट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द फिल्म, इट्स अ फिल्म ऑफ फ्रेंडशिप, एंड आई एब्सोल्युटली रिपीट दैट. एज फार एज द सीड ऑफ द फिल्म, विनोद विल टेल यू अ लिटिल मोर अबाउट इट, बट एज आई टोल्ड यू, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ लिसनिंग टू दिस आइडिया व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम इन माय लाइफ इन 1994. सो दैट वाज 21 इयर्स अगो. And in 2000, we started writing it. And between 2000 and 2004, we wrote it. At one point, we approached Mr. Bachchan to play this same role in English. And the script was not nearly as good as that time, but he was very kind to us. And so it was a dream. It was a dream to work with him. And subsequently, it was beautiful that a thinking actor like Farhan came on board and also a director. So he had some scripting suggestions. So the script just kept getting richer. And Bijoy's visual expertise came in. This mesmerizing young lady has done absolute wonders. So it's a genre which is not what you're saying. It's exactly what Farhan said. It's a wholesome entertainer. Aditi, agla sawal mera aapse hai. Thank God aapne pooch liya unse. Do poochiye. Main kaafi khush thi actually. Samjhe thi sabko. ये सभी जितने दिग्गज कलाकार हैं या शख्सियत हैं, इन सभी को आपने देखा होगा, जब इनके साथ काम करते हैं तो किस तरह का, मतलब वो फैन मोमेंट भी था कभी कभी? कभी कभी नहीं. फर्स्ट आई लाइक टू विश एवरीवन अ रियली हैप्पी न्यू ईयर, और आपका न्यू ईयर और खुश बनाने के लिए प्लीज आप 8 जनवरी को जाके वजीर देखिए. बट मैं बोलना चाहूंगी, फॉर मी एकदम ये प्रिविलेज था to be around people who, जिनके लिए इतना respect होता है, एक blessed feeling, I felt very blessed to just be a part of a project like this, to have been picked for a project like this, to have spent every moment that I spent with Mr. Bachchan, with Farhan, with Vinod sir, Bijoy, Abhijat Joshi, every person associated with this film is really amazing. And for me it was that, and मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब मुझे लोग पूछते हैं कि कैसा था, मुझे हमेशा लगता है, मुझे एक्चुअली फूलिश लगता है कि मैं मिस्टर बच्चन के बारे में क्या बोलूँ, जो पर मुझे ये भी लगता है कि एक जो पर्सनली वो आपसे कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट आई नेवर फॉरगेट. और उनकी आंखों में जो हमेशा एक चमक होती है, दैट इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज कीप विथ मी. एंड पहले तो आपने कभी ये कहा नहीं मुझे. So, for me, that's what I'd like to say, कि जो भी मैं कहूँ उसके लिए actually words काफ़ी नहीं होंगे to say what I actually feel about being a part of a film like Wazir. And I feel that for every girl who or every actor who wants to be a part of the industry and has dreams, I'd like to tell them that dreams do come true, and I know that they do with this experience.